मैं हूं सानिया अजीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इस फिल्म में गाने में दीपिका का भगवा रंग का कपड़ा पहनना हिंदू संगठन के लोगों को पसंद नहीं आया। इस बात का विरोध करते हुए फिल्म पठान को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। जगह जगह शाहरुख खान के पोस्टर बनाकर उसे जलाया जा रहा है और अब इसी मुद्दे को लेकर नवनीत राणा ने सेंसर बोर्ड को अपना निशाना बनाया है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने सेंसर बोर्ड को गलत ठहराया है। उनका कहना है कि गाने को रिलीज करने से पहले सेंसर बोर्ड को ये जांच कर लेनी चाहिए कि उसमें कुछ गलत तो नहीं है। आगे कहा कि फिल्म को बॉयकॉट करना ही एक अलग रास्ता नहीं है। सुनिए नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है। मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के माध्यम से देश की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रहा है। अगर कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए, तब जाके उन्होंने रिलीज करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं, पर बॉयकॉट करना हर फिल्म को, हमारे देश के जितने भी लोगों का योगदान है फाइनेंशियली देश को स्ट्रांग बनाने का, उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं किसी को भी अगर ठेस पहुंचती है कोई भी सीन से तो उसे कट करके फिर स्क्रीन पे दिखाना चाहिए। और भगवा ये हमारे आस्था का विषय है तो उसे कहीं ना कहीं पर भी कोई धक्का किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। इसी बीच बीजेपी के सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हम भगवा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। जब से माननीय मोदी जी का शासन आया हिंदू अपने को जागृत अवस्था में कम से कम जीवित अवस्था में थोड़ा सा मानने लगे हैं, पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है, हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। भगवा हमारी, हमारे देश की आन बान शान है। राष्ट्रीय ध्वज में भी भगवा का रंग रखा हुआ है क्योंकि वह त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वह बलिदान का प्रतीक है। और इसलिए हमारे देश को, हमारे सन्यासियों को, हमारे भगवा को कभी अपमानित करने का, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कभी अपमानित करने का प्रयास किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और मैं ये निश्चित कहती हूँ कि उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं और जिस तरह से भी हो सकता कानून का सहारा लूंगी, नैतिकता से उनको डांटूंगी और अगर अवसर पड़ा तो पूरा एक आंदोलन खड़ा करके हम ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं और देंगे। हिंदू अब पीछे नहीं है क्योंकि बहुत कुठाराघात हिंदुओं ने सहन कर लिया और बहुत भगवा का अपमान सहन कर लिया। मैं एक जीती जागती तस्वीर हूँ कि भगवा को आतंक कहने वाले लोगों को जवाब दिया है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। अब ये अपमान कभी हिंदुओं का, भगवा का, हमारी संस्कृति का, वेद और पुराणों का कभी अपमान नहीं हो पाएगा। और जिसने अपमान किया, ये जो कोई भी है, जो मूवी बनाया है, जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशरम कहा है भगवा के रंग को, तो उनको सावधान करती हूँ, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए, क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यहीं हैं, खाते यहीं का, सोते यहीं हैं और यहीं का अपमान करते हैं, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और कभी भी इनकी कोई पिक्चर ना देखें। जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी ये यहाँ से भाग जाएंगे और कभी मुंह दिखाएंगे नहीं। उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशरम बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म ना देखें।